कर रहे हैं एक्सचेंज एनर्जी, ये है क्या टॉपिक? पहले तो हेडिंग डाल लीजिए फास्ट, एक्सचेंज एनर्जी, लिखते जाएं। और ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल, ऑल ऑर्बिटल ऑल ऑर्बिटल ऑफ सेम सबस्टेंस, सेम सबशेल हैव सेम एनर्जी, हैव सेम एनर्जी, इसको बोलते हैं डीजनरेसी। डीजनरेसी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है यार, डीजनरेसी होती है हमारे लिए ऑर्बिटल्स की, लाइक दिस। पहला पॉइंट हमारे लिए पॉइंट क्लियर है, ऑल ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल, यहां पांच ऑर्बिटल है, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम, यानी हमारे लिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये सब बराबर एनर्जी के हैं। तो हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं, सब बराबर है। आ रही है बात समझ में? तो जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहां हो या यहां हो या यहां हो, कहीं पे भी हो, उसकी एनर्जी क्या फील होगी? सेम। तो अगला पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल, डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल, ऑफ सेम सबशेल कैन चेंज देयर पोजिशंस, कैन चेंज देयर पोजिशंस, आराम से कर सकते हैं। तो यहां हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल कैन चेंज देयर पोजिशंस, यानी वो आपस में पोजिशंस टू ईच अदर, ईच अदर। बस एक बात का ध्यान रखना, बट रिमेंबर दैट दैट देयर स्पिन डायरेक्शंस शुड बी सेम, एंड अबाउ एक्सचेंज या अबाउ चेंज, एंड अबाउ चेंज कॉल्ड एक्सचेंज, कॉल्ड एक्सचेंज, एक्सचेंज के नाम से जानेंगे, एंड एंड ईच एक्सचेंज इंक्रीजेस, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो यहां हमारे पास स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है हर एक एक्सचेंज, ये बात हमारे लिए क्लियर है। तो इसकी एनर्जी हम इतनी कम होती है कि हम उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में नहीं मेजर करके हम उसको यूनिटी एक्सचेंज एनर्जी बता रहे हैं। लिबरेट तो होती है क्योंकि स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं चार्ज डिस्पर्स हो रहा है और चार्ज डिस्पर्स होता है तो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी पड़ेगी। तो ड्यू टू एक्स ईच एक्सचेंज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एटम ड्यू टू चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन,
डिस्पर्जन, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन, जितना मूवमेंट होगा डिस्पर्स होगा उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एंड रिमेंबर दैट थर्ड पॉइंट, अगर हम बात करें द एक्सचेंज एनर्जी, यूनिट इज, अब इतनी कम है, इज नंबर ऑफ एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज ही एक्सचेंज एनर्जी की यूनिट है, नंबर ऑफ एक्सचेंज, कितने नंबर ऑफ एक्सचेंज हो रहा है वही अपने हमें यूनिट, भाई 10, 20, 30 जितने भी हो रहे हैं वो है। तो फोर्थ पॉइंट है हाउ कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ एक्सचेंज, तो फोर्थ पॉइंट ही हमारे पास आ रहा है कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ एक्सचेंज। कैसे नंबर ऑफ एक्सचेंज हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये मैं डी के लिए ले रहा हूं, सही है। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, पांच इलेक्ट्रॉन, पांच ऑर्बिटल है सपोज, तो क्या ये आपस में एक एक्सचेंज कर सकते हैं? हाँ, ये इसके साथ भी कर सकता है, 2, 3, 4, तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी है? 4 नंबर, ये आपस में ये दो चेंज कर सकते हैं, ये 4। अब क्योंकि ये आपस में पहले ही एक्सचेंज काउंट कर चुके, तो अब इसके लिए कितने होंगे? 1, 2, 3, पक्का इसके लिए 3 होंगे, कौन कौन से? 1, 2 और 3। इसके लिए कितने होंगे? इसके बाद वाले के लिए देखो, 1, 2, इसके लिए कितने होंगे? सिर्फ 1, क्योंकि ये सबके साथ जितने भी एक्सचेंज हो सकते थे वो काउंट कर चुके हैं, तो टोटल एक्सचेंज कितने हो रहे हैं? फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन इज इक्वल टू 10, मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज, मोर एनर्जी लिबरेट, मोर स्टेबिलिटी इनक्रीजेस। तो अगला पॉइंट हमारा रहेगा फोर्थ, हमारे लिए क्लियर हो गया, लेकिन उससे पहले नंबर ऑफ एक्सचेंज और कैलकुलेट करना मैं बता रहा हूं आपको एक और एग्जांपल के साथ। एक, दो, तीन, चार इलेक्ट्रॉन इस तरफ फिलअप है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए सेम डायरेक्शन वाले आपस में एक्सचेंज होंगे, अपोजिट के नहीं होंगे। तो ये कितना होगा? 1, 2, 3, 4, इसके लिए 4 होगा, इसके लिए 3 होगा, इसके लिए 2 होगा, इसके लिए 1 होगा, यस और नो? अब नीचे वाले को देखो एक बार, ये किसके साथ जाएगा? 1, 2, 3, बस सिर्फ 3, क्योंकि यहां नीचे वाला है ही नहीं, तो यहां पर 4, 3, 2, 1 है, यहां क्या रहेगा इसके लिए? 3, 2, 1, 0, समझ में आ रहा है? ये सिर्फ 3 के साथ कर सकता है, 1, 2, 3, तो टोटल एक्सचेंज कितने हो रहे हैं आप ही बताइए, टोटल एक्सचेंज एनर्जी। कैसे करेंगे? 10 तो पहले ही है, 10 और 6, 16, 16 एक्सचेंज एनर्जी, और काफी स्टेबल भी है। लेकिन हमारे लिए पॉइंट यह था कि अगर यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इस तरह से होता, यहां ऐसे, बात समझना, यहां एस भी है, ये मान लीजिए 3d9 और 4s2, ये तो एक्सचेंज कर नहीं पाएंगे आपस में किसी एक ही ऑर्बिटल में। लेकिन अगर यही इस तरह से होता कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस तरह से रहता, हम ये बनाते, ये नहीं बना के ये बनाते, तो बताइए यहां एक्सचेंज एनर्जी कितनी होती इसके लिए? केस सेकंड, केस फर्स्ट, बल्कि अगर आप फर्स्ट इसको मान रहे हो, केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
तो बताओ यहां एक्सचेंज एनर्जी कितनी आती है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बताइए यहां एक्सचेंज एनर्जी कितनी आती है, जल्दी बोलो। क्या मैं सही हूं? 10 प्लस 10 20। कैसे? ऊपर वाले के लिए भी 4 3 2 1 0 और नीचे वाले भी अब 4 3 2 1 0। बोलो यस और नो। तो एक्सचेंज एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन और इस कॉन्फ़िगरेशन में कितनी है, कितने का डिफरेंस आया, जल्दी से बोलिए। 4 का। तो क्या एक्सचेंज एनर्जी में ये कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन पे जाने में इतना बढ़िया आ चुका है कि हम एन प्लस एल को तोड़ दें? हाँ हम तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी लिबरेट करेगी और वो लिबरेट एनर्जी वो एन प्लस एल रूल तोड़ने में काम आ गई। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसलिए ये एक्सेप्शन बना है। ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन नीचे वाले में आपको एक्सचेंज एनर्जी में कितना बेनिफिट मिला है? 4। तो ये भी कॉपर हो सकता था, ये भी कॉपर हो सकता था। तो लिखिए की पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, केस 2 एंड 3 बोथ आर पॉसिबल, बोथ मे बी पॉसिबल। फॉर कॉपर बट डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी ऑफ देयर इज 4। कैसे निकाला 4? 20 माइनस 16, 4। एंड इट इज सफिशियंट टू सफिशियंट फॉर ब्रेक। कौन सा रूल तोड़ा है हमने? एन प्लस एल रूल। इन दिस केस बहुत है, अच्छा है, टूट गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, मैं बात करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं बात करना चाहता हूं फ्लोरीन की। ये मैंने फ्लोरीन की बात करी, आप खुद देखिए मेरी बात को। ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं है? है या नहीं है? बोलो है। 2s2 2p5। और मैं चाहता हूं कि ये वहां चला जाए, इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाए, तो क्या होगा? यहां एक रह जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा फ्लोरीन। ये भी हो सकता है फ्लोरीन, ये भी हो सकता है। यहां एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से बताओ। 2 और 1 2 1 0 और यहां कितनी रहेगी? 1 0। तो 2 3 4 एक्सचेंज एनर्जी कितनी है इसमें, जल्दी से बताएं कितनी आ रही है? 3 4। पक्का एक्सचेंज एनर्जी निकालना आता तो है ना हम सबको? अब यहां अगर एक्सचेंज एनर्जी निकाली जाती तो कितनी आती, कितनी आती इसके लिए, कितनी होती? 2 1 और इसके भी 2 1, टोटल कितनी होती? 6। तो डिफरेंस कितना आता है यहां पर 2 का? क्या ये डिफरेंस सफिशियंट है इस एन प्लस एल रूल को तोड़ने के लिए? नहीं। तो हमने ऐसा बोला कि यहां सिर्फ डिफरेंस 2 है एंड 2 इज नॉट सफिशियंट फॉर ब्रेक द एन प्लस एल रूल। तो यहां वापस की पॉइंट डालेगा, द डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इज 2 एंड दैट इज नॉट सफिशियंट फॉर ब्रेक एन प्लस एल रूल। तो फ्लोरीन के केस में एन प्लस एल रूल नहीं टूटा, उसका रीजन ये है। अदरवाइज मैं बोल तो सकता था हाफ फिल एंड फुल फिल आर मोर स्टेबल, है बिल्कुल है, लेकिन इतना भी नहीं है इस जगह कि वो एन प्लस एल रूल तोड़ दे। तो ये थोड़ा सा एक्सचेंज एनर्जी और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन हो गई। अच्छे पॉइंट से लिख लीजिए, एक्सचेंज एनर्जी का डिफरेंस कितना आना चाहिए। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा 4 और मोर देन 4 होता है।
तो आपका एन प्लस एल रूल टूटने के आसान चार से बढ़ जाते हैं, और अगर चार से कम है जैसे दो या दो ही होगा वो, तो फिर वो नहीं टूट पाएगा। क्लियर करो कॉन्सेप्ट्स।